हाय गाइस, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में एक बार मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट अजूर है उसमें स्किल सेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप फीचर कहें या सर्विस है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं, सपोज़ आपने लॉग इन किया है आपके पोर्टल पे और होम पे जाके आप अगर वर्चुअल ऑल सर्विसेज, फिर उसके बाद में वर्चुअल उसमें जाते हैं किस पे, कंप्यूट पे ही, ठीक है। तो कंप्यूट पे एक ऑप्शन है वर्चुअल मशीन स्किल सेट। तो बेसिकली होता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। तो सबसे पहले तो हमको इसका थ्योरी पता होनी चाहिए, बेसिकली ये है क्या चीज़। सो गाइस, सबसे पहले क्या है आप देखेंगे तो वर्चुअल मशीन स्किल सेट्स आर अजूर कंप्यूट रिसोर्स, ठीक है। तो वो अजूर कंप्यूट की रिसोर्स में रहती है, दैट यू कैन यूज़ टू डिप्लॉय एंड मैनेज अ सेट ऑफ आइडेंटिकल VMs। तो हम एक VM का सेट बना सकते हैं आइडेंटिकल, कि हमको इस तरीके का वर्चुअल मशीन चाहिए और वो एक सेट है, तो हम उसको बल्क में एक तरीके से कह सकते हैं आपकी इसमें ये चीज़ें रहेंगी, ये चीज़ें रहेंगी, उसको डिप्लॉय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल सेट्स इन अजूर बेसिकली। अब इसके बाद में यह है, इसके अंदर सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, विथ ऑल द VMs configured द सेम स्किल सेट्स आर डिज़ाइन टू सपोर्ट थ्रू ऑटो स्केल। इसमें ऑटो स्केलिंग भी हम इनेबल कर सकते हैं एंड नो प्री प्रोविजन ऑफ VM इज़ रिक्वायर्ड। तो इसमें ऑटो स्केलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी यूजफुल है। मैं बताऊँगा इसको भी कैसे कॉन्फिगर करते हैं। दूसरी चीज़ इसके बारे में क्या, सो इट्स ईजियर टू बिल्ड लार्ज स्केल सर्विसेज। अगर हमको बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनाना है तो उस कंडीशन में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, दैट टारगेट बिग कंप्यूट बिग डेटा एंड कस्टमाइज्ड वर्कलोड। तो ये काफ़ी आसानी हो जाती है, अभी हमको कुछ 1500 कंप्यूटर उस तरीके का अगर इन्वायरमेंट लगाना है या फिर डेटा सेंटर डिप्लॉय करना है तो, ठीक है। अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, बस इसका जो होता है एक्सप्लेनेशन इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, कि एक सेट है ये बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन का, ताकि हम एक साथ ढेर सारी वर्चुअल मशीन उसको डिप्लॉय कर सकें। तो अब यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं कैसे, तो अभी आप देखिए यहाँ पे आप ऑल सर्विसेज पे जाएं या फिर यहाँ पे स्किल सेट करके भी अगर सर्च करते हैं, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे जाके सर्च करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, या सबसे बेहतर है ऑल सर्विसेज पे जाएं, उसके बाद कंप्यूट, कंप्यूट पे ये वर्चुअल मशीन स्किल सेट करके आता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है या तो फिर क्रिएट वर्चुअल मशीन स्किल सेट। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब देखिए यहाँ पे इसको अगर स्क्रॉल करता हूँ तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो सबसे पहले क्या है, वर्चुअल मशीन स्किल सेट का नाम दे दिया, सपोज हमें नारायण दे दिया मैंने, ठीक है, SS दे दिया स्किल सेट करके। अब इसमें मैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहा हूँ, ताकि ये इसको जब मैं दूसरी जगह डिप्लॉय करना चाहूँ तो अगर रिक्वायरमेंट हो तो उस हिसाब से, तो डेटा सेंटर 2016, ठीक है, ट्रायल वर्जन ले लिया हमने और मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप को ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ये वाले रिसोर्स ग्रुप को ले लेता हूँ। लोकेशन ये आ गया, अवेबिलिटी सेट हम यहाँ जोन को देखें तो यहाँ पे ये अगर ऐसे आया तो हम ऑप्शनली रहता है, ठीक है, और हमने इस लोकेशन के लिए अवेबिलिटी सेट नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रहेगा तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पे यूज़र नेम दे देते हैं कि इसको कौन मैनेज करेगा करके, तो मैं यहाँ पे नाम दे दिया, इसका पासवर्ड, और इसके बाद में फिर से पासवर्ड कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसके बाद में इंस्टेंसेस, तो इंस्टेंसेस हमको कितने चाहिए यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं, तो मैं दो ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इंस्टेंसेस। अब उसमें हमको क्या है, इंस्टेंस साइज कितना लेना है, तो यहाँ पे हम हार्ड डिस्क सिलेक्ट कर सकते हैं, रैम वगैरह वगैरह जो हम सिलेक्ट करते हैं, तो मैं एज इट इज़ यही छोड़ रहा हूँ सबसे ऑन टॉप, कि जो DS1_V2 और 1 CPU 3.5 GB, ठीक है, वही छोड़ दिया। उसके बाद मैं डिप्लॉय एज अ लो प्रायोरिटी करके लिखा, तो यस नो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ मैनेज डिस्क इसको यस नो कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, और शो एडवांस सेटिंग अगर करते हैं। तो इसके बाद में क्या, देखिए यहाँ पे इनेबल स्केलिंग बियॉन्ड 100 इंस्टेंसेस, तो अभी हमने तो यहाँ पे क्या है 2 इंस्टेंस लिए हैं, तो अगर हम इसको यस करेंगे तो हम 100 से ज़्यादा इंस्टेंसेस को भी बाद में डिप्लॉय कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑटो स्केल, ठीक है, अभी ये ऑटो स्केल क्या है, डिसेबल है, तो इसको हम डिसेबल भी रख सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट,
या तो फिर इनेबल। अब देखिए यहाँ पे अभी मैं उसको डिसेबल ही छोड़ता हूँ, तो हमारे पास बाकी क्या क्या ऑप्शन क्या बचते हैं। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में चूज़ लोड बैलेंसिंग ऑप्शन। तो अब हमको लोड बैलेंसर वहाँ पे सपोज बनाने की ज़रूरत है, या मैंडेटरी है एक तरीके से कहें तो। दो ऑप्शन होते हैं, हम या तो लोड बैलेंसर यूज़ कर सकते हैं या तो फिर एप्लीकेशन गेटवे। तो अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन गेटवे यूज़ कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा ये भी। यहाँ पे क्लिक करिए, यू मस्ट सेलेक्ट एन एप्लीकेशन गेटवे विथ अवेलेबल सबनेट स्पेस दैट आर इन द सेम रीजन एज द स्किल सेट। तो हमको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमको यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस एक नेम देना पड़ेगा, और दूसरा यहाँ पे क्या देना पड़ेगा इसको देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द नेम ऑफ द पब्लिक आईपी एड्रेस फॉर द लोड बैलेंसर इन फ्रंट ऑफ द स्किल सेट। अब यहाँ पे डोमेन, तो यहाँ पे एक हमको डोमेन भी नाम देना पड़ेगा। तो हम क्या है इसको, मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसके बाद में तो ये तो बात की चीज़ें हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक ऑटो स्केल की बात करते हैं। अगर मैं अगर यहाँ पे ऑटो स्केल इनेबल करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे को कुछ ऑप्शन आए। इसका मतलब क्या है ऑटो स्केल, मतलब क्या है, जो हमने यहाँ पे जो इंस्टेंसेस, दो इंस्टेंस सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी ये दो इंस्टेंस अगर ख़त्म हो गए, अब मेरे को और ज़रूरत चाहिए, तो उस कंडीशन में होगा क्या। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ VMs ऑटो स्केलिंग के लिए खुद ब खुद, तो अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक आया है, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको 60 कर दिया, ठीक है, या फिर इसको 2 ही कर दिए, मैं इसको 2 कर दिया। और उसके बाद में नंबर ऑफ VMs मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, ठीक है, एक को 2 कर दिया था ऑटो स्केल के लिए, जहाँ ऐसे 2 छोड़ रहे हैं यहाँ पे भी मैं 2 छोड़ देता हूँ। उसके बाद में ऑटो स्केल आउट, तो 2 जब हो जाएगा, ठीक है, 2 इंस्टेंस जब हो जाएंगे उसके बाद में क्या होगा। अब सपोज वहाँ पे 2 इंस्टेंसेस हो गए, उसके बाद में स्केल आउट, कैसे स्केल आउट होना, तो यहाँ पे हम एक थ्रेशोल्ड लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 60 का थ्रेशोल्ड लगा रहा हूँ, 60%। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको न्यू करते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ पे 2 VM लगाया मैंने, ठीक है, एक ये हो गई और एक ये हो गई, 2 VM लगी है, ये 1 है और ये 2 है, कहाँ गया है, ये 2 है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक स्किल सेट हुआ, 2 इंस्टेंसेस हो गए। अब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे जो है वो ये था कि जब जो इसके इंस्टेंसेस हैं, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, CPU की। जब इनके जो इंस्टेंसेस में जो CPU का यूटिलाइजेशन है या यूज़ हो जाएंगे, अगर वो 60% पहुँच गए, तो ये ऑटो स्केल करके एक और इंस्टेंस क्रिएट करेगा, ऐसे करके एक और यहाँ पे वो एक आ जाएगा, ये जाएगा 10 तक, जो हमने यहाँ पे जस्ट नाउ हमने डिफाइन किया है, कहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे 10 डाले हैं, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ VMs और मिनिमम नंबर ऑफ VMs 2। तो इसका ये मतलब है, अब मैं इसको इंक्रीज कर, नंबर ऑफ VM टू इंक्रीज बाय 1 ही छोड़ते हैं, वैसे उसी तरीके से स्केल इन। तो स्केल इन में क्या देखिए, यहाँ पे 25 है तो इसको 25% छोड़ता हूँ मैं। और अब यहाँ पे भी नंबर ऑफ VM टू डिक्रीज बाय 1, तो इसको एज इट इज छोड़ते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जब यहाँ का कहाँ गया, तो ये तो था हमारा क्या, 60% होने के बाद में ये ऑटो स्केल हो जाएगा, तो हमको फिर से इधर पे इंस्टेंस मिलने लग जाएंगे 1 से लेकर 10 तक। तो हुआ क्या, मतलब यहाँ से हमको 10 इंस्टेंस मिलेंगे और यहाँ पे 2 इंस्टेंस, तो 10 और 2 कितना, 12 इंस्टेंस हमको मिलेंगे टोटल, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, जो इन वाले की बात करें हमने, जो स्केल इन, तो स्केल इन का मतलब क्या है, जब हमारे पास का ये जो थ्रेश होल्ड रहेगा, यहाँ का जो सेकेंड इंस्टेंस बना है, जब ये 25% आ जाएगा, तो ये बैक इसको क्विज करेगा फिर से, ये इस तरफ पे एक मशीन, एक वर्चुअल मशीन या एक VM कम हो जाएगा, और जो यहाँ पे जो लोड है वो इसको वापस आ जाएगा इस इंस्टेंस को। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होगा, ऑटो स्केलिंग का हमको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या लिखना क्या नहीं लिखना, तो हम अच्छे से सेटिंग कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं, इसमें मैं ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अभी यहाँ पे भी मेरे पास कोई लोड एप्लीकेशन गेटवे मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ठीक है, एज इट इज़ इसको नन करके छोड़ दिया। तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी सेटिंग्स हमको करनी पड़ती है यहाँ पे। अब मैं इसको क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो ये इसका जो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं जैसे ये क्रिएट होता है कि इसमें कोई एरर आ रहा है या फिर कुछ वैलिडेशन एरर, क्लिक शायद हमको यहाँ पे सबनेट, ओके, यहाँ पे नन लिखा है, तो हमको यहाँ पे एक सबनेट के लिए पूछा है कि आप सबनेट दीजिए, ये क्या है,
सेलेक्ट एन अवेलेबल सबनेट फ्रॉम द वर्चुअल नेटवर्क। अरे भाई आए भी तो, यहाँ पे हमको कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन गेट पे भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन गेट पे लगाएंगे तो यहाँ पे एक वर्चुअल नेटवर्क दिखा रहेगा, हमको वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, लोड बैलेंसर ले लिया मैंने, नारायण एस एस करके नाम दे दिया, और इसको एक नाम दे देता हूँ नारायण एस एस करके। तो इज इनवैलिड आया, यहाँ पे कुछ देना पड़ेगा, हम देखते हैं साउथ इंडिया बैंगलोर करके दे दिया मैंने। ठीक है, ये अवेलेबल है, यहाँ पे ग्रीन आया तो ठीक है। अब हम इसको फिर से क्रिएट पे क्लिक करते हैं, तो अब यहाँ पे कोई अभी भी यहाँ पे एक एरर आया, अभी कौन सा एरर आ गया, टू मैन नेम वैलिडेशन एरर, क्लिक टू व्यू डिटेल्स, कहाँ पे है, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ। देयरफॉर वैलिडेशन एरर, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स। वैलिडेशन एरर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसके बाद में ये इनेबल्ड है, यस यस सीपीयू टू से, ओके शायद ये वाला गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे पासवर्ड गड़बड़ हो रहा है, तो मैं इसको टेस्ट फिर से पासवर्ड देता हूँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ठीक है, अब और क्या इसमें गड़बड़ है, क्रिएट और कौन सा वैलिडेशन आ गया। ये ओके, ये ओके, ये ओके, अबिलिटी जोन यहाँ पे नहीं आएगा, और दूसरा क्या है, 1061125 वैलिडेशन एरर, ये ऑपरेशन रिजल्ट मैक्सिमम अलाउड कोर लिमिटेशन ऑफ कोर करेंट इन यूज 3 एडिशनल 2 रिक्वेस्टेड प्लीज़। ठीक है, यहाँ पे कोर कम करनी है इसलिए ये नहीं आ रहा है, जो मेरे पास ऑलरेडी यूज्ड में है सीपीयू, तो हम क्या करते हैं इसको इसको कम कर देंगे, इसको मैं एक करता हूँ। ठीक है, अब शायद ये ठीक हो जाए, ये फ्री वाला हमारे पास जो है सब्सक्रिप्शन है, तो उसमें क्या है लिमिटेड हमको वर्चुअल मशीन और ये वगैरह मिलेगी, तो मैंने ऑलरेडी शायद यहाँ पे वर्चुअल मशीन 3-4 चला ली है, तो वो सीपीयू वहाँ पे मेरे को मिल नहीं रहा है, इस वजह से वो एरर आ रहा था, तो मैंने उसको कम कर दिया है। तो अगर आप हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे डिप्लॉयमेंट प्रोसेस चल रही है, इसको हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, और ये मैं वर्चुअल मशीन देखने के लिए यहाँ पे लेके आया। तो गाइज इस तरीके से हम क्या इसको क्रिएट कर सकते हैं, और काफ़ी यूज़फुल है ये, हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसको क्रिएट होते तक। और अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटी देखेगी कि यहाँ पे खुद ब खुद बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क आ गया है, लोड बैलेंसर और लोड बैलेंसर, पब्लिक आईपी एड्रेस, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ये 100% आएगा तो हमको यहाँ पे दिखेगा भी। अभी मैं क्या कह रहा था, हाँ ये यहाँ पे 2 ऑलरेडी चल रहे हैं, इस वजह से वो एरर आ रहा था, हम 4 नहीं चला सकते, 5 नहीं चला सकते ऑलरेडी, 4 बस वो एरर आ रहा, मतलब आपका सीपीयू उतना नहीं है, तो इसका वेट करेंगे हम जब तक ये नहीं डिप्लॉय हो जाता। अब हम उस सेट को एक किसी भी रीजन पे लोकेशन पे उसको पूरा का पूरा डिप्लॉय कर सकते हैं, एक साथ ढेर सारी कंप्यूटर हमको ऑटो स्केलिंग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा।
जब तक ये चल रहा है उसके बाद में हम और कुछ देखते हैं इसमें थोड़ा सा, वर्चुअल मशीन कंटेनर सर्विस। इसके बाद में शायद मोस्ट प्रोबेबली मैं कंटेनर सर्विस को आपके साथ डिस्कस करूँगा, ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसे अवेबिलिटी सेट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं कोशिश करूँगा अवेबिलिटी सेट बताने की। डिस्क के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि डिस्क को हम कैसे ऐड करते हैं डेटा डिस्क को वर्चुअल मशीन पे, अजूर पे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो गाइस अगेन आई एम टेलिंग यू कि देखिए यहाँ पे अभी मेरा कुछ जस्ट 14 रुपये खर्च हुए हैं, दो इतने सारे वीडियो बना लिए हैं, तो मैं इसलिए क्योंकि मैं डिलीट कर देता हूँ जो भी काम करता हूँ, उसके बाद में फिर से नया कॉन्फ़िगरेशन, तो वहाँ पे अगर मेरा पड़ा रहेगा जो भी मैंने कॉन्फ़िगर किया है तो उसको चार्ज करेंगे तो ये पैसे जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, जो 13,000 रुपये हैं। तो इसलिए इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना चाहिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं ये, इसको, इस पोर्टल को। ये जैसे ही डिप्लॉय हो जाएगा खुद ब खुद ये नोटिफिकेशन चेंज हो जाते हैं, लाइक सक्सेसफुली रिसेट इस तरीके से। तो जब तक ये नहीं होता हमको वेट करना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम है अजूर के साथ में कि ये थोड़ा सा फास्ट नहीं है। ठीक है, अगर हम AWS की बात करें तो वो काफ़ी फास्ट है, अभी तक ये सब डिप्लॉय हो गया होता है, इतना टाइम नहीं लगता उसमें। तो क्या आप जो है तो है, कुछ नहीं कर सकते। ये यहाँ पे NSG रूल भी बन गया है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ग्रुप बेसिकली। इसके बाद में लोड बैलेंसर भी आ गया। गैस ये स्टिल चल रही है, ये एक ये हाँ अभी शायद ये हो गया। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। तो इसका अब इसको एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, सपोज़ बेटर होगा कि मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। ठीक है, इसके ओवरव्यू में जाते हैं। तो अभी आप देखिए ओवरव्यू में यही दिख रहा है, इसको अगर डिलीट करना हो, ट्रायल वर्जन 5 मिनट लगा इसको बनने में, इसका डेट दिखा रहा है, इतनी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। और इसको आउटपुट को देखे तो नो डिप्लॉयमेंट है, कुछ इनपुट भी नहीं है। इनपुट में इतनी सारी चीज़ें हैं, इनपुट में रहेगा क्योंकि ये सब हमने ही वहाँ पे लगाया हुआ है जो भी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, टेम्पलेट पे यहाँ पे जाएंगे तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं टेम्पलेट के, विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट। और आउटपुट का तो अभी कुछ है नहीं है, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है,
तो ओवरव्यू ये हुआ गाइज। अब इसको हमको रीडिप्लॉय करना हो तो इसको रीडिप्लॉय कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे अगर अब होम पे जाता हूँ वापस और रिसोर्स ग्रुप पे जाते हैं, रिसोर्स ग्रुप पे अगर मैं देखता हूँ माय टेस्ट अजूर, मैं ये क्या क्या है, ये नहीं, रिसोर्स ग्रुप जो माय सर्वर वाला, ठीक है, तो इसी पे हमने क्रिएट किया है। तो इतनी सारी चीज़ें हुई है जो हमने अभी स्केल सेट के लिए बनाया है, ठीक है, वो सारी दिखेंगी। अब स्केल सेट को अगर हम फिर से और देखना चाहें, ऑल सर्विसेज पे जाते हैं, स्केल सेट, तो यहाँ पे दिखेगा कि हमने जो स्केल सेट बनाया है वो सक्सीडेड दिखा रहा है स्टेटस, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से आप स्किल सेट लगा सकते हैं। अब इसको क्लिक किया सपोज़ मैंने एक बार, और इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो हमको जो परफेक्ट ओवरव्यू है ये है, ठीक है। इसमें देखिए नारायण उसका सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन यहाँ पे दिखाएगा, परसेंटेज सीपीयू इस तरीके से है। अब इसको डीलोकेट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, रिस्टार्ट रिफ्रेश का है हमारे पास में, एक्टिविटी लॉग, ए एम आई जो यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल हमको देना है किसको क्या राइट्स देने नहीं देने हैं, इंस्टेंसेस यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे कितने इंस्टेंसेस लगाए थे ये वाला रनिंग है, स्केलिंग और कुछ बढ़ानी है यहाँ पे तो यहाँ पे जाके हम बढ़ा सकते हैं। और वैसे ही यहाँ पे आएगा ये कौन सा कितना यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, ऑलरेडी इंस्टेंस काउंट 1 लगाया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो काम नहीं कर रहा था। और दूसरी चीज़ें देखिए यहाँ पे स्टोरेज है, इसके अंदर स्टोरेज में जाके भी हम एडिट कर सकते हैं, लाइक रीड राइट की परमिशन एंड ऑल, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे अगर देखें तो हमने सर्वर लिया है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद में साइज़ अगर देखें तो यहाँ पे हमको हार्ड डिस्क पता चल जाएगा, हार्ड डिस्क वगैरह, और हार्ड डिस्क का चेंज करना है कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, मैनेज सर्विस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो ये सारी चीज़ें हैं हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आप अगर अपने आप इसको इसको इस साइट को सब्सक्राइब करके अगर ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सो गाइज आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, उसको कैसे इंस्टॉल और कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम स्किल सेट को। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लाइक शेयर, जहाँ तक आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो शायद उनको भी कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे। सो गाइज मेरे अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए, टिल देन बाय बाय।